बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने इशिकावा डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिश बोन डायग्राम, जो तीनों नाम इसको दिए जाते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं कि मीटिंग चल रही है और हमारा प्रॉब्लम है कि हैंड वॉशिंग नहीं हो रही। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने रूट कॉज एनालिसिस करना है, और रूट कॉज एनालिसिस में मुख्तलिफ लोग अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग बैठे हैं। अब कोई कह रहा है कि जी मैन ऐड होने चाहिए, मेथड ऐड होना चाहिए, मटेरियल ऐड होना चाहिए, और इन चीज़ों के ऐड होने से ये इफ़ेक्ट होगा। तो ये काजेज हैं, ये इफ़ेक्ट है। तो हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट का डायग्राम बना रहे हैं कि अगर इस प्रॉब्लम के लिए कुछ कॉज हैं तो वो लिखे जाएं। तो सीओ पूछ रहा है कि भाई ये इस जो प्रॉब्लम है इसके कुछ कॉज बताओ, क्यों ये इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो मुख्तलिफ लोगों ने जो कॉज बताए कि मैन है, मेथड है, मटेरियल है। तो एक बंदे ने कहा जी मशीन भी ऐड होनी चाहिए, मदर नेचर भी ऐड होनी चाहिए। तो मशीन क्या है, उस मशीन से क्या होगा, चले मशीन ऐड कर लेते। मशीन क्या है, तो मशीन में डिस्पेंसर है। अगर लिक्विड सोप हैंड वॉशिंग के लिए रिक्वायर्ड है तो उसके लिए डिस्पेंसर भी होने चाहिए। तो डिस्पेंसर आपकी मशीन है, तो मशीन ऐड होगी तो हम इस रिज़ल्ट को अचीव कर सकेंगे। तो हमारा रूट काज का एनालिसिस क्या है कि हमारे पास प्रॉपर मशीन नहीं है, तो मशीन ऐड होनी चाहिए। और मशीन का, अगर मशीन काज है तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि वहाँ पे डिस्पेंसर जो है वो ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही एक और काज इसका इफेक्ट हो सकता है इस काज का कि ड्रायर ऐड हो। अगर आप हैंड वॉशिंग करते हैं तो उसके बाद आपको या तो टॉवल टिश्यू चाहिए होंगे, कोई ड्रायर, या फिर ड्रायर चाहिए होगा। तो अगर आप हैंड ड्रायर की तरफ जाते हैं तो ये भी प्लांट मशीनरी के अंदर आता है, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट इसको, मतलब जो भी चीज़ें मशीन मेड हैं, जो रन कर रही हैं, वो मशीन में आएंगी। तो बेसिकली ये 5M या 6M का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को मैं इसके आगे एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें मैन, मेथड, मटेरियल और मदर नेचर, ये 5M का कंसेप्ट है। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो फिश बोन डायग्राम है वो किस तरह से रन करता है, इसके थ्रू हम किस तरह से रूट कॉज का एनालिसिस करते हैं। तो जब मशीन ऐड होगी तो मशीन में डिस्पेंसर अवेलेबल होंगे, वहाँ पे ड्रायर अवेलेबल होंगे, जो कि इफेक्टिव हैंड वॉशिंग के लिए हमारा एक कॉज एंड इफेक्ट का एनालिसिस है। नेक्स्ट एक और बंदे ने कहा जी कि मदर नेचर में कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए। मदर नेचर आप एनवायरनमेंट को कह सकते हैं, एनवायरनमेंट से मराद है कि आसपास वो सराउंडिंग जहाँ पे ये इफेक्टिवनेस होनी है, जिस चीज़ को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जिस एरर को रिमूव करना चाहते हैं, वो एरर हो किस जगह पे रहा है। तो जाहिर है हमारा प्रॉब्लम है इफेक्टिव हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। तो इफेक्टिव हैंड वॉशिंग के लिए हमें क्या, कौन सी जगह चाहिए, कौन सी इन्वायरमेंट चाहिए, कौन सी नेचर चाहिए, तो वो है वॉशरूम, वॉशरूम वाली साइड या प्रोडक्शन एरिया की एंट्रेंस के ऊपर, जिस जगह भी आपकी हैंड वॉशिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर तो कोई फूड इंडस्ट्री है तो उसको प्रोडक्शन एरिया पे और वॉशरूम दोनों पे ज़रूरत होगी। अगर एक जनरल इंडस्ट्री है तो वहाँ वॉशरूम में उसकी ज़रूरत होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जी मदर नेचर क्या है, कौन सी इन्वायरमेंट में जाना चाहिए। तो इन्वायरमेंट में वो लोकेशन जहाँ पर डिस्पेंसर इंस्टॉल होंगे, यानी इन्वायरमेंट से मराद है वो ऐसी जगह जिस जगह लोगों को ज़रूरत है हैंड वॉशिंग की, तो उस जगह को सिलेक्ट किया जाए डिस्पेंसर के लिए। यानी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन आप डिसाइड करेंगे कि जी लोकेशन वॉशरूम एरिया है या लोकेशन फूड प्रोसेसिंग एरिया की जो एंट्रेंस है वो है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम थी हमारी कि जी हैंड वॉशिंग नहीं हो रही, इसको अडॉप्ट करना है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। और वहाँ पे लोगों को सीओ ने कॉल कर लिया, एडमिन भी आ गया, एचआर आ गया, सिक्योरिटी इंचार्ज आ गया, हम भी किस तरह से हम, या और जो क्लीनिंग हाइजीन रिलेटेड सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, फूड सेफ्टी वाले हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं, जितने मैक्सिमम लोग जो उससे रिलेटेड हैं उनको आप इन्वॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये जनरल डिस्कशन है म्यूचुअल, कि भाई हर बंदा अपनी अपनी इनपुट दे, किसी एक के ऊपर डिसीजन ना रहे। ये नहीं कि प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आई है तो प्रोडक्शन मैनेजर खुद ही इंडिविजुअली बैठा सोच रहा है कि अच्छा इसका क्या होगा क्या होगा। उसको चाहिए कि जितने भी लोग प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, वो क्यूसी वाले हैं, वो प्लानिंग वाले हैं, वो इंजीनियर्स हैं प्रोडक्शन के, वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबको बुला लें और कहें कि भाई ये प्रोडक्शन में फलां प्रॉब्लम आ गई है, तो आए इसके लिए कोई रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। अब हर बंदा अपनी अपनी इनपुट देगा। तो ये जितने जो 5 कॉजेज हैं,
ये 5 causes ज़्यादा भी हो सकती हैं, 6, 7, 8 भी हो सकती हैं, और उसके बाद फिर इन काजेज़ के जो इफ़ेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि हर बंदा दो दो तीन तीन चार चार इफ़ेक्ट दे सकता है। तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह इसमें 5, 6 इसमें। तो जितनी ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, उतने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। जब आइडियाज़ आएंगे तो वो सब लिख लिए जाएंगे। तो जब सब एक पूरा बड़ा डायग्राम बन जाएगा, ये एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन ये आगे बड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल भी अवेलेबल है। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल एग्जांपल की ज़रूरत होती है। तो आप जब एक इसको देखेंगे कि जी ये प्रॉब्लम थी, ये उसके काजेज हैं, ये इफ़ेक्ट है, जब ये काजेज के को ऐड किया जाएगा तो उसका ये इम्पैक्ट आएगा, ये इफ़ेक्ट होगा, इफ़ेक्ट जो है वो इस पे असर करेगा और इसको इम्प्रूव कर देगा। तो इस तरह से हमें ये समझ आएगा कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो इन 5 causes की को रिमूव करते हुए इसको इम्प्रूव कर देंगे। यानी अगर हम इन 8 इफ़ेक्ट को अगर ज़्यादा लोग होंगे तो इनमें और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और अगर इन 8 इफ़ेक्ट को भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे इनको लिस्ट डाउन कर लेंगे कि जी ये 8 इफ़ेक्ट अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग स्टाफ के लिए कोई क्लिनिकल जो कंसल्टेंट है उसको हायर कर लेते हैं कि वो आपको ट्रेनिंग दे और अवेयरनेस दे और हैंड वॉशिंग के लिए, और जेनिटोरियल स्टाफ हो जो कि ये चीज़ें प्रॉपर उन प्लेस के ऊपर प्रोवाइड करें, और हैंड वॉशिंग के लिए प्रोसीजर लिखे जाएं, सोप और टिश्यू अवेलेबल हो, ड्रायर अवेलेबल हो, डिस्पेंसर अवेलेबल हो और उस लोकेशन पर अवेलेबल हो जिस जगह पे ये सब चीज़ें चाहिए। तो जब ये सारा कुछ आपने राइट डाउन कर लिया, एक डायग्राम बना लिया, उसके बाद इसको चीज़ों को नंबरिंग कर ली कि ये हमें 8 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। तो अब इन 8 चीज़ों को जब आप, ये आपका रूट काज है कि आपने फाइंड कर लिया कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये काजेज होंगे, ये इफ़ेक्ट होंगे, तो अब आपने एक लिस्ट बना ली। तो यही आपका मकसद था कि जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है। जब आपने एनालिसिस किया तो आपको समझ आई कि उसके लिए ये 8 चीज़ें ऐसी हैं, एसेंशियल हैं कि ये अवेलेबल होंगी तो हम इस प्रॉब्लम को हल कर लेंगे। और ये कैसे हुआ, ये आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग से हुआ, लोगों को इन्वॉल्व करने से हुआ, और इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हुए हुआ। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं ऑफिस में, फैक्ट्रियों में, सब जगह पर ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ये जस्ट हम ये बता रहे हैं कि जो हो रहा है उसके पीछे ये टेक्निक काम करती हैं। तो जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो उनको समझ आ जाए कि किस तरह से वो चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।